Welcome back to JV Educator once again. This is your educator Gami Bogo. So our today's discussion will be on sex determination. ठीक है. So sex determination ये जो topic है आपका continuation है class 12 biology का chapter 5 को. Chapter 5 genetics. ठीक है. तो sex determination क्या है? मतलब like progeny का जो sex है, whether it will be like whether the progeny will be male or female है ना, इसी को हम लोग sex determination बोलते हैं. तो होता क्या है कि जितना भी नंबर लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है ना, उसमें जो मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटरमिनेशन करने के लिए, इट इज ऑफ एक्स ओ टाइप. कहने का मतलब है, एक्स ओ का मतलब है ऑल एग्स बियर एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड अदर क्रोमोसोम्स, जिसका नाम है ऑटोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट होता ही है सबको. मतलब अदर क्रोमोसोम्स में आपका क्या आता है, ऑटोसोम्स आता है, और वही ऑटोसोम्स के साथ साथ कभी कभी क्या देखने को मिलता है आपको, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स दिखता है. ठीक है, तो आपको पूछ देगा एमसीक्यू में, नीट में पूछेगा. ठीक है, टीजीटी पीजीटी क्वेश्चंस में पूछ देगा, सीबीएसई वाला पूछ देगा एमसीक्यू में. इंसेक्ट में व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्स ओ टाइप. ओके, ऑन द अदर हैंड क्या होता है, सम ऑफ द स्पर्म बियर्स द एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट. एक्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम्स फीमेल. सिंपल है, सबको पता है. दोस फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स, है ना. मेल्स में हम लोग का क्या है, एक एक्स होता है और एक्स दूसरा क्रोमोसोम होता है. तो एक्स बच्चा में चला गया तो बच्चा क्या होगा, फीमेल होता है, और ये वाई चला गया प्रोजेनी में तो क्या होते हैं, मेल होते हैं. वही तो बता रहा है ये लाइन. ठीक है, एंड देन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, इट वॉज डिजिग्नेटेड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वेयर नेम्ड एज ऑटोसोम. एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम टर्म इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो सेक्स डिटरमिनेशन का जो प्रोसेस हुआ ज्यादातर एक्स के ऊपर में डिपेंड करता था, इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम जब भी इन फ्यूचर आल्सो. ठीक है, कल को आने वाला को जो लेक्चर है, जब भी सेक्स क्रोमोसोम या बोलते हैं तो यू हैव टू रिमेम्बर इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो अभी देखिए हम ह्यूमंस में सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे. सबसे पहले हम ह्यूमंस में क्या देखते हैं, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन देखते हैं. और हम ह्यूमन बीइंग में सिर्फ नहीं, वो ड्रोसोफिला में भी दिखते हैं, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई करके टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, याद है. ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, उसमें भी हम लोगों का एक्स वाई टाइप मैकेनिज्म दिखता है. एंड इन बोथ केसेस, यानी एक्स ओ टाइप एंड एक्स वाई टाइप, ये इंसेक्ट में मिलते हैं और ये ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में मिलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मेल होता है ना, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इधर विथ मेल और इधर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या फिर दूसरा होता है गैमिट प्रोड्यूस कर सकता है विथ एक्स क्रोमोसोम एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम. ठीक है, और यही जो सच टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मैकेनिज्म है, वेयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच आर प्रोड्यूस बाय मेल्स, दे आर कॉल्ड मेल हेटरोगैमिटी. मतलब मेल जो है आपको दो डिफरेंट टाइप्स का गैमिट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेल हेटरोगेमिटी. समझ आ रहा है, मेल जो है आपको टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, एक हो गया एक्स, एक हो गया दूसरा वाई. कौन प्रोड्यूस करता है उसको, मेल, इसीलिए टर्म मेल हेटरोगेमिटी. आपको वन वर्ड आंसर में पूछ सकते हैं व्हाट इज मेल हेटरोगेमिटी. ठीक है, एंड देन इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बर्ड, बर्ड में क्या होता है, आपका डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स और डिटरमिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल हेटरोगैमिटी. यहाँ पे क्या होता है, आपका टू डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ गैमिट्स होता है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल्स, इसीलिए इसको फीमेल हेटरोगैमिटी. डिफरेंस समझ आ गया, मेल हेटरोगैमिटी एंड फीमेल हेटरोगैमिटी. फीमेल हेटरोगैमिटी में क्या है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गैमिट्स होते हैं उसको कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल. सिंपल. और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, फीमेल हेटरोट्रोपी बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स में. ठीक है, बर्ड्स में. एज्यूम दैट Z and W chromosomes are present in this bird. एक क्रोमोसोम Z है, दूसरा क्रोमोसोम Y है. Just assume करो, मान के चलो कि ये जो है बर्ड्स में प्रेजेंट रहते हैं.
In this organisms, the females have one Z and one W chromosome, whereas male have a pair of Z chromosomes besides the autosomes. ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? फीमेल में क्या है, वन जेड क्रोमोसोम है और दूसरा डब्ल्यू क्रोमोसोम है. ठीक है, मतलब अलग अलग दो पेयर वाला, मतलब टू टाइप्स ऑफ गैमेट. एंड देन मेल में क्या है आपका, सिर्फ अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोसोम. ठीक है, तो ये हो गया ना आपका फीमेल हेटरोगेमिटी, यानी फीमेल जो है आपको टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करके दिखा रहा है. देन तो यही है, कंटिन्यूएशन है. एक्स वाई टाइप होता है ह्यूमन में, जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है. आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, हम ह्यूमन को पता है हम लोग के पास कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है. 46 क्रोमोसोम बोलने से कितना पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है. और ये 23 पेयर में से जो आपका 22 पेयर्स है वो आपका क्या होता है, इन लोग एकदम मतलब 22 मेल एंड फीमेल में बराबर सेम रहते हैं, मतलब क्रोमोसोम सेम है, एक्सेप्ट वन क्रोमोसोम जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. 22 पेयर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसोम बोलते हैं. ठीक है, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, जिसको हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं. लेकिन अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल, वेयर एज अ प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर डिटरमिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक इन द ह्यूमन पेयर. ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी जब स्पर्मेशन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, इन द मेल टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर प्रोड्यूस, दैट इज एक्स एंड वाई. फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम, जिसको हम लोग सिर्फ एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. वही बता रहे हैं, जब आपका गैमिट फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी जब आपका स्पर्म का प्रोड्यूस हो रहा है उसमें दो गैमिट प्रोड्यूस होता है मेल का थ्रू, एक्स एंड वाई. लेकिन जब फीमेल में गैमिट का फॉर्मेशन जब होता है, यानी ओवम का फॉर्मेशन जब होता है, उसमें सिर्फ वन ओवम, वन टाइप ऑफ ओवम प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर एक्स. ठीक है, फिर वही बात, इन केस द ओवम फर्टिलाइजर्स विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, तो आपका जो जायगोट होता है वो फीमेल में डेवलप होगा, है ना. फिर जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा ओवम के साथ, और उसमें आपका जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा, तो उसका जो बच्चा होगा वो मेल मेल ऑफस्प्रिंग होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस में देखो सिंपल है, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो ये एक्स, ये एक्स मेल से एक्स आ रहा है, तो बच्चा क्या होगा, लड़की होगा, और मेल से वाई आ रहा है. ठीक है, और फीमेल से एक्स आ रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वाई होगा. ठीक है, तो ऐसा करके आप क्रॉस करके पता चल. इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन एंड हैव बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन. मतलब हम लोग सोसाइटी में आजकल तो इतना कॉमन नहीं है. ठीक है, इन दोज डेज तो मतलब कॉमन नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी मतलब अवेयर ऑफ ना. पहले में क्या होता था कि लड़की बच्चे को प्रेगनेंट होते समय जैसे पता चल जाता था कि उसका पेट में बच्चा है, मतलब वो भी लड़की बच्चा, तो उसको डायरेक्ट मतलब बच्चा को अबॉर्शन कर देता था, मतलब उसको दवाई खा के या फिर मार देता था कि बोल के कि वी डोंट वांट गर्ल चाइल्ड, लड़का बच्ची चाहिए. जबकि जो मेन रूट कॉज है वो तो हस्बैंड का है ना, वो लड़का का स्पर्म से डिसाइड करेगा कि बच्चा लड़की होगा कि लड़का होगा. ओके, तो इसीलिए लड़की लोग को, औरत लोग को सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब अगर वो उसके अंदर में जो बच्चा है वो फीमेल होने से. ठीक है, तो वो इल ट्रीटमेंट करता था, मतलब ऑस्ट्रेसाइज, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता था उसको. ठीक है, तो ऐसा टाइप से माना जाता था. लेकिन दिस डेज आई होप कि ऐसे सिनेरियो देखने को ना मिलता हो ना. तो आप लोग भी यू बिंग इन एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, यू बिंग अ एजुकेटेड पर्सन, आपको ये सब को जानना है, और आपको साथ ही साथ खुद खुद पढ़ रहे और उसके बाद दूसरा को भी एजुकेट करते चलो, तब हम लोगों का जो है सोसाइटी जो है अच्छा से आउट परफॉर्म करेगा. ठीक है, एंड देन हनी बी आपको एग्जाम में पूछ देगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर यू नो लाइक डिटरमाइनिंग द सेक्स क्रोमोसोम इन हनी बी. तो सबसे पहले तो इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स.
यूनिक वाला फीचर है, इसीलिए एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है ना, एक्स क्रोमोसोम ना वाई क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बात कर रहे हैं, कितना इंडिविजुअल रिसीव करते उसके ऊपर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स एज फीमेल या फिर क्वीन। वो जो क्वीन किसको बोलते हैं, फीमेल बी को बोलते हैं ना, एंड एन अनफर्टिलाइज जो एग्स होता है दैट डेवलप एज एन मेल, जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्वीन फीमेल किसे डेवलप होता है, यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एन एग, ये आपको डेवलप करता है क्वीन यानी फीमेल बी, एंड जो अनफर्टिलाइज जो एग रहता है वो जो मेल में डेवलप हो जाता है बाय द मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ ए फीमेल। देन और जो फीमेल्स होता है दे आर डिप्लोइड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स, ये बी का बात करें, ठीक है बी का बात करें, जो फीमेल्स होते हैं उन लोग के पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी उन लोग डिप्लोइड है, एंड जो मेल्स होता है वो हैप्लोइड होते हैं, उन लोग के पास कितना क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लोइड मीन्स व्हाट, जो आपको 2n का फॉर्म में मिलता है, हैप्लोइड मीन्स व्हाट, n के फॉर्म में, यानी मेल जो है आपका हैप्लोइड होता है ये 16 होता है n, और फीमेल जो है डिप्लोइड होते हैं यानी 16 इंटू 2 32। ठीक है, डेट इज ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है हनीबी में उस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हैप्लो डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। एमसीक्यू में पूछ देगा सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन हनीबी, तो आपको याद रखना हैप्लो डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हैप्लो डिप्लोइड टर्म क्यों है, क्योंकि जो मेल होता है वो हैप्लोइड होता है और जो फीमेल होता है वो डिप्लोइड होता है, ठीक है, इसीलिए हैप्लो डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और यही हैप्लो डिप्लोइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के पास एक स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, सच एज द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। अभी तक हम लोग क्या देखा था, जो जितना भी जर्म सेल्स, जितना भी स्पर्म प्रोडक्शन, गैमिट प्रोडक्शन होता है वो मियोसिस के थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है, जो स्पर्म जो है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो माइटोसिस से थ्रू हो रहा है यानी सेल डिवीजन से थ्रू हो रहा है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, लेकिन उन लोग ग्रैंड फादर हो सकता है, लेकिन ग्रैंड सन, मेरा मतलब है दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट हैव ए ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। ठीक है, पिताजी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो हो सकते हैं, फोर फादर हो सकते हैं और ग्रैंड सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बी, आप इसको एनसीईआरटी वाला अगर पूछ देगा तो सुंदर से इसको लिख डालो। ठीक है, so this was all about our today's lecture which was about sex determination jo ki aapka ncrt mein de rakha hai, theek hai, so it's one of the important topic, prepare kijiyega acha se, notes bana lijiyega khud se sundar se, uske baad answer script mein present kar dijiyega, so thank you for watching and listening to this video and we'll see you in the next video with a new topic, thank you।